पूरा ड्राफ्ट, एक पूरा डॉक्यूमेंट हमने हासिल किया और उसमें वो फेरिस्ट है पूरी, जिस फेरिस्ट के अंदर आप देख सकेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं सूबे सिंध के मुख्तलिफ महकमों में जो कि प्री बार्गेन के जरिए रकम वापस कर चुके हैं, इसके बावजूद इन ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। एक नहीं, ऐसी बहुत, इस फेरिस्ट के अंदर बहुत से नाम है। और अगर मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि डिपार्टमेंट वाइज इनका ब्रेकअप क्या बनता है, तो आप देखकर और हैरान हो जाएंगे। क्योंकि चंद माह कबल जिस तरह ये डीजी ने आपने जो बात करी, ये बात की थी 2 या 3 रोज कबल जब उन्होंने चेक तकसीम किए थे। कुछ माह कबल तकरीबन 21 करोड़ रुपए के चेक तकसीम हुए थे प्ली बागेन के हवाले से ही, और इसमें तकरीबन रजाकाराना तौर पर जो लोगों ने पैसे वापस किए थे वो गवर्नर सिंध को, और गवर्नर सिंध ने फिर आगे सिंध हुकूमत को वापस किए। प्ली बागेन करने वाले 70 अफसरान ऐसे हैं जिनके खिलाफ अब तक हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अफसरों में 50 का ताल्लुक महकमा बल्दियात सिंध से है, इसी तरह से तकरीबन 8 का ताल्लुक महकमा आबपाशी से है, इरीगेशन से है, 12 महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और महकमा खुराक से ताल्लुक रखते हैं, और इनमें तकरीबन 12 ठेकेदार भी शामिल।